Hey guys! I hope you all are doing well. I am Iram Jahan and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 6.3 of class 9. Chapter name is Remainder Theorem and Factor Theorem, and the author of this book is Doctor Sudhir Kumar pandey So what are you waiting for? Let's get started. Exercise 6.3 has approximately all questions same. Just level up, it will क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फोर्थ तक एक जैसे और उसके बाद वाले एक जैसे इस एक्सरसाइज में हमें सभी क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है एक फैक्टर x प्लस टू और एक पॉलिनोमियल और इसमें हमें जितने भी फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो सब फाइंड आउट करने हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आता है अब हम इसे इक्वेट नहीं करेंगे जीरो के साथ क्योंकि अगर हम इक्वेट करके एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर नहीं फाइंड आउट करने को बोला गया है और ना ही कोई वैल्यू मिस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसे फैक्टराइज करना है फैक्टराइज करना है मतलब इसके जितने भी फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वो सभी फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने है यहाँ पर एक फैक्टर हमें क्वेश्चन में बताया गया है अब फैक्टर क्या होता है फैक्टर भी डिवाइजर है लेकिन ऐसा डिवाइजर जिसमें रिमाइंडर जीरो आए तो और भी ऐसे डिवाइजर हमें इस पॉलिनोमेल के फाइंड आउट करने हैं जिसमें रिमाइंडर जीरो आए अब हमें इसे लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना होगा फैक्टर हमारे पास क्या है एक्स प्लस टू तो यहाँ पर हम नोट करेंगे एक्स प्लस टू डिवाइडेंट की प्लेस में हमें क्या नोट करना होगा पॉलिनोमियल क्वेश्चन में हमें क्या पॉलिनोमल दिया एक्स की पावर थ्री प्लस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी टू एक्स और प्लस ट्वेंटी ओके यहाँ पर भी नॉर्मल डिवाइड जैसे ही है जितना कम है उतना हमें क्वेश्चन की प्लेस में नोट करना होगा आप इसे ऊपर की तरफ भी नोट कर सकते हैं और यहाँ साइड में नोट करना चाहें तो साइड में नोट कर दीजिए ओके हमेशा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म ओके इस सेम होना चाहिए हर एक स्टेप में अभी फैक्टर या डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स और पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स की पावर थ्री इसको हमें सेम करना है इन दोनों को सेम करने के लिए कितना कम है तो कितनी पावर कम है यहां पर x की पावर टू ओके यहां पर x वन टाइम है इसको x की पावर थ्री में कन्वर्ट करने के लिए कितनी पावर कम है x की पावर टू तो यहां पर हमें नोट करना होगा अब इस x की पावर टू का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा क्या हो जाएगा x की पावर थ्री यहां पर और प्लस टू एक्स स्क्वायर यहां पर तो इसे पहले रफ में देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया एक्स स्क्वायर और डिवाइजर हमारे पास क्या है एक्स प्लस टू अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें पहले एक्स में करना होगा और फिर प्लस टू में तो पहले एक्स में करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर हमेशा पावर क्या होती है एड यहाँ पर एक्स की पावर टू है और यहाँ वन टाइम है तो टोटल कितने टाइम्स हो जाएगा एक्स थ्री टाइम्स अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस टू में करना होगा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नोट कर देंगे टू का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले नोट करना होगा और अल्फाबेट बाद में ओके तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हम इसकी प्लेस में नोट कर सकते हैं यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर अब इसके बाद हमें माइनस का साइन नोट करना होगा अब यहाँ पर हमने माइनस का साइन इसलिए नोट किया क्योंकि हम यहाँ पर इसे सब ट्रैक्ट करें डिवाइड में क्या करते हैं सब ट्रैक्ट करते हैं तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्स की पावर थ्री है और यहाँ पर भी एक्स की पावर थ्री है यहाँ पर एक्स की पावर थ्री के आगे कोई साइन नहीं इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव हमेशा नीचे वाले साइन से क्या होता है पता चलता है कि ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव है या पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे कैंसल अब यहाँ पर थर्टीन एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव और टू एक्स स्क्वायर कैसा है नेगेटिव प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए माइनस में ओके okay. थर्टीन में टू माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास अलेवन क्या बचे अलेवन एक्स स्क्वायर ओके अब बड़ी वैल्यू कैसी है पॉजिटिव तो कोई भी साइन नहीं आएगा ओके okay. अगर नेगेटिव होती तो माइनस का साइन आ जाता अब यहाँ पर फैक्टर में हमारे पास कितने टर्म हैं टू एक्स है और प्लस टू है मतलब दो टर्म है प्लस माइनस के साइन जैसे जैसे लगते जाते हैं वैसे वैसे टर्म बढ़ते जाते हैं ओके तो यहाँ पर टू टर्म्स हैं और यहाँ पर कितने टर्म है एक सिंगल टर्म है यहाँ पर भी दो टर्म हमारे पास होने चाहिए तो दो टर्म करने के लिए हमें यहाँ से एक टर्म नोट करना होगा एक्स स्क्वायर तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं अब इसके आगे क्या है प्लस थर्टी टू एक्स तो इसे नोट करेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस थर्टी टू एक्स ओके अब यहाँ पर भी दो टर्म हो गए और यहाँ पर भी दो टर्म हो गए अब इसके बाद हमें क्या करना होगा जो फैक्टर हमारे पास है और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है ओके इन दोनों के फर्स्ट टर्म को हमें सेम करना होगा यहाँ पर क्या है एक्स और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव अलेवन एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर कोई साइन नहीं इसका मतलब यहाँ पर हमें प्लस का साइन नोट करना होगा ये पॉजिटिव है ओके अब न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर कुछ भी नहीं है ओके और यहाँ पर क्या है अलेवन तो हमें यहाँ पर अलेवन नोट करना होगा और अल्फाबेट में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है एक्स एक्स यहाँ पर वन टाइम है कितना कम है यहाँ पर टू है यहाँ वन है तो कितना नोट करना होगा वन ओके okay. अब यहाँ पर क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास क्या है प्लस अलेवन एक्स इसका भी मल्टीप्लाई हमें फैक्टर में करना होगा क्या है एक्स प्लस टू ओके तो आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको रफ में डिटेल में समझा देती हूँ अब यहाँ पर अलेवन एक्स कैसा है पॉजिटिव तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस का साइन नहीं नोट कर रहे हैं। अगर नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन नोट करना होगा ओके अब सेम वैसे ही है यहाँ पर भी अलेवन एक्स का मल्टीप्लाई हमें पहले किस में करना होगा एक्स में ये क्या हो जाएगा अलेवन और टोटल कितने एक्स हो रहे हैं दो तो पावर कितनी हो जाएगी टू वन टाइम यहाँ है और वन टाइम यहाँ प्लस इसी तरीके से अलेवन एक्स का मल्टीप्लाई हमें प्लस टू में करना होगा तो प्लस का साइन हमने यहाँ पर नोट कर दिया अब अलेवन की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा ट्वेंटी टू और x है तो x भी नोट करेंगे अब x प्लस टू का मल्टीप्लाई अलेवेन एक्स से करने पर हमारे पास कितना आया अलेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एक्स इसे हम यहाँ पर नोट कर देंगे और माइनस का साइन नोट करना होता है क्योंकि हम इसे सब कर रहे हैं अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन से हम इसे थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे ओके तो अलेवेन एक्स का मल्टीप्लाई हमने एक्स में किया ये हो गया अलेवन एक्स स्क्वायर और अलेवन एक्स का मल्टीप्लाई जब प्लस टू में करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 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 ही रहेगा अलेवन के टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा ट्वेंटी टू और एक्स है तो एक्स आ गया ओके okay? अब ये दोनों एग्जैक्ट सेम वैल्यूज हैं और इन्हें हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करने पर यह क्या हो जाएंगे कैंसर ओके okay? क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव अब इसी तरीके से यहाँ पर थर्टी टू एक्स है और यहाँ पर क्या है नेगेटिव ट्वेंटी टू एक्स थर्टी टू में हम ट्वेंटी टू माइनस कर देंगे कितना आएगा टेन एक्स अब पॉलिनोमियल में हमारे पास एक ही टर्म है और फैक्टर में हमारे पास दो टर्म थर्टी टू एक्स तक तो हमने नोट कर दिया सॉल्व कर दिया अब इसके बाद क्या है प्लस ट्वेंटी तो हमें प्लस ट्वेंटी नोट करना होगा अब इसके बाद भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म टेन एक्स फैक्टर का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स इन दोनों को हमें एग्जैक्ट सेम करना है ये कैसा है पॉजिटिव तो प्लस का साइन नोट कर देते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू टेन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट टेन नोट करना होगा जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर वन हाइड होता है ओके और वन का मल्टीप्लाई हम टेन में करेंगे टेन ही रहेगा ओके अब यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स मैच कर रहा है जितना कम है बस उतना ही नोट करेंगे उससे एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नोट नहीं करना अब इसी तरीके से हमें प्लस टेन का मल्टीप्लाई किस में करना होगा एक्स प्लस टू में ओके तो प्लस टेन का मल्टीप्लाई जब हम एक्स में करेंगे ये कैसा रहेगा टेन एक्स पॉजिटिव रहेगा ओके प्लस का है तो प्लस का टेन एक्स रहेगा और स्टार्टिंग में हम प्लस का साइन नहीं नोट करते ओके अब इसी तरीके से प्लस टेन का मल्टीप्लाई हमें प्लस टू में भी करना होगा अगर सेम साइन होते हैं तो हमेशा प्लस में कन्वर्ट होते हैं यहां पर प्लस ही रहेगा और टेन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे कितना आएगा हमारे पास ट्वेंटी ओके अब माइनस का साइन नोट करना होगा क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट अब इसके बाद यहाँ पर टेन एक्स कैसा है पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है माइनस में इसी तरीके से यहां पर ट्वेंटी पॉजिटिव है और ये वाला ट्वेंटी कैसा है नेगेटिव तो इन दोनों को माइनस करना होगा ये भी कैंसिल हो गया अब इसके आगे और कुछ नहीं है ओके तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया जीरो और रिमाइंडर यहां पर जीरो आना था क्योंकि इसका फैक्टर है कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल की अगर फैक्टर है तो वहां पर रिमाइंडर जीरो आएगा तो हमने इसे डिवाइड क्यों किया ताकि हमें क्वेश्चन पता चले ओके okay? अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलेंगे और फैक्टर्स क्योंकि हम इसे और फैक्टराइज करने वाले हैं तो अब हमें क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो नोट करना होगा क्या है एक्स की पावर थ्री प्लस थर्टीन एक्स स्क्वेर प्लस थर्टी टू एक्स और प्लस ट्वेंटी और जो फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया है वो पहले नोट करेंगे ये पॉलिनोमल जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में आया है उसे नोट करेंगे ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स प्लस टेन एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं सारी समझ में आ जाएंगे ओके तो फर्स्ट फैक्टर जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था वो हम वैसे ही नोट कर देते हैं एक्स प्लस टू अब इसके बाद ये कॉर्डनेटिव पॉलिनोमल के फॉर्म में है इसे हमें सॉल्व करना होगा अब इसके लिए सबसे पहले हमें बिग ब्रैकेट ओपन करना होगा और फर्स्ट टर्म हम वैसे ही नोट करेंगे क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है टेन और फर्स्ट टर्म में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसका मतलब यहाँ पर वन हाइट है वन और टेन का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा टेन ओके और टेन को हमें इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करना होगा कि एड और लेस करने पर कितना आना चाहिए अलेवेन ओके और अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पता हैं एक्सरसाइज 5.8 में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स बताए हैं तो प्लीज़ आप वो एक्सरसाइज देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों ओके उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर अगर हम टेन को प्राइम फैक्टराइज करें तो कितना आएगा हमारे पास टू और फाइव ओके okay? टू और फाइव को ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा सेवन एड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए अलेवन कितना आ रहा है सेवन तो यहाँ पर टेन वन जार कितना होगा टेन टेन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे ते कितना आएगा टेन और टेन में वन ऐड कर देंगे तो अलेवन आ जाएगा यहाँ पर अलेवन की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे टेन प्लस वन अब एक्स यहाँ पर वैसे ही नोट करेंगे प्लस टेन वैसे ही रहेगा अब इसके बाद जो फर्स्ट फैक्टर हमें क्वेश्चन में, में दिया है इसे वैसे ही नोट करना होगा अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर इसे वैसे ही नोट करना होगा प्लस यहाँ से ब्रैकेट हटाना होगा यहाँ पर प्लस टेन और एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा ये क्या हो जाएगा प्लस टेन एक्स अब इसी तरीके से यहाँ पर प्लस प्लस वन और एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 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 ही रहेगा सेम साइन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और वन और एक्स का मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा यहां पर एक्स वैसे ही रहेगा प्लस टेन अब इसके बाद फर्स्ट फैक्टर वैसे ही नोट करेंगे अब सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं फोर यहां पर हमें क्या करना होगा दो दो टर्म में कॉमन लेना होगा फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स तो इसमें कॉमन लेंगे यहाँ पर बिग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन अल्फाबेट में इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है एक्स यहाँ पर एक्स कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना होगा ब्रैकेट ओपन करना होगा अब इस एक्स से हमें इन दोनों टर्म में डिवाइड करना होगा फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करने पर क्या होगा एक्स आएगा हमेशा पावर कम हो जाती है टू में वन माइनस किया तो वन टाइम ब्रैकेट के अंदर आ गया प्लस अब x से एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्या बचा टेन अब इसी तरीके से लास्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है प्लस एक्स प्लस टेन इन दोनों में क्या कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है और अल्फाबेट में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर हमें क्या कॉमन लेना होता है वन ओके वहां पर वन हाइड होता है वन से डिवाइड करने पर कुछ भी चेंज नहीं होता यहाँ पर एक्स वैसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या है प्लस प्लस तो प्लस का ही साइन रहेगा वन से टेन को डिवाइड करेंगे तो टेन रहेगा अब यहाँ पर एक्स प्लस टू वैसे ही रहेगा यहाँ पर दो टर्म हमारे पास हैं टोटल इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है एक्स प्लस टेन ओके ये रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट हो रहा है उसे नोट करेंगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस टेन और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या जो बच रहा है ओके एक्स प्लस टेन से एक्स प्लस टेन यहाँ पर कैंसिल होगा और क्या बचा हमारे पास एक्स तो इस एक्स को नोट करना होगा इसी तरीके से सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है प्लस वन और ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन तो एक्स प्लस टेन से एक्स प्लस टेन कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा प्लस वन ओके okay? तो सिंपल है जो रिपीट हो रहा है उसे एक ब्रैकेट में नोट करना होगा और जो नहीं रिपीट हो रहा है उसे एक ब्रैकेट में नोट करना होगा यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर्स हमारे पास आ गए तीन ओके okay? थ्री फैक्टर्स है एक फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो भी नोट करना होगा और दो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करें ओके एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम वैसे है यहां पर इसे भी हमें फैक्टराइज करना है अब यहां पर फैक्टर हमारे पास क्या एक्स माइनस टू और पॉलिनोमियल हमारे पास क्या एक्स की पावर थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस टेन यहां पर भी सेम वैसी है फर्स्ट टर्म को हमें सेम करना होगा पॉलिनोमियल और फैक्टर के पॉलिनोमेल का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स की पावर थ्री और फैक्टर क्या है एक्स तो यहाँ पर कितना कम है एक्स की पावर टू अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा एक्स माइनस टू में जो फैक्टर हमारे पास है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा एक्स की पावर थ्री यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर इसीलिए लिखा ताकि फर्स्ट टर्म सेम हो जाए ओके अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में करना होगा माइनस टू में यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है और न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या है टू और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नोट करना होगा टू का मल्टीप्लाई भी हम एक्स स्क्वायर में करेंगे ओके अगर आपको नहीं समझ में आया तो रफ में आप सॉल्व करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं अब इसके बाद हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है तो माइनस के साइन नोट करेंगे जहाँ पर माइनस का साइन रिपीट होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में अब यहाँ पर एक्स क्यूब है पॉजिटिव और ये वाला एक्स क्यूब कैसा है नेगेटिव माइनस का साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है प्लस की टू एक्स स्क्वायर नीचे वाला साइन कैसा है प्लस में तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो सिक्स एक्स स्क्वायर में हमें कितना माइनस करना है टू एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे फोर बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है माइनस का तो यहाँ पर माइनस का साइन नोट करना होगा अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है एक सिंगल टर्म है क्या है माइनस फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितने टर्म है दो तो वैल्यू हमारे पास क्या है ज्यादा और यहाँ पर कम अब यहाँ पर हम इसे एक्स स्क्वायर तक तो सॉल्व कर चुके हैं अब इसके बाद क्या है प्लस थ्री एक्स तो एक टर्म हमें और नोट करना होगा क्योंकि यहाँ पर टोटल टू टर्म्स है ओके अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आया डिवाइडेंट का माइनस फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्स तो इनको एक्जैक्ट सेम करना होगा एग्जैक्ट सेम करने के लिए अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी हमें यहाँ पर नोट करना होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू में यहां पर क्या है फोर और यहाँ पर कुछ भी नहीं है ओके तो यहां पर हमें फोर नोट करना होगा और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है टू और यहाँ पर एक्स वन टाइम है कितना कम है वन टाइम कम है यहाँ पर नोट करना होगा ओके फर्स्ट टर्म को हमें एग्जैक्ट सेम करना है एग्जैक्ट सेम करने के लिए जितना भी कम है वो हमें यहाँ पर नोट करना होगा क्वेश्चन की प्लेस में ओके माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई हमें अब x माइनस टू में करना होगा अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर पाओगे तो मैं इसे रफ में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ अब माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू में करना होगा तो सबसे पहले एक्स में करते हैं माइनस फोर का मल्टीप्लाई जब हम एक्स में करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वन टाइम यहाँ है वन टाइम यहां है टोटल कितना हो गया एक्स की पावर टू अब इसके बाद माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू में करना होगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में फोर की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा एट और एक्स वैसे ही रहेगा यहाँ पर माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई जब हम एक्स माइनस टू में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स तो इसे हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं और हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन हमें नोट करना ही होगा चाहे कितना भी माइनस के साइन आपको दिए गए हो ओके यहाँ पर माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में क्योंकि माइनस का साइन रिपीट हो रहा है अब यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर कैसा है नेगेटिव और ये वाला कैसा है पॉजिटिव एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अब इसके बाद माइनस एट एक्स है और प्लस थ्री एक्स माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में एट एक्स में थ्री एक्स माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास फाइव एक्स बड़ी वैल्यू कैसी है नेगेटिव तो माइनस का साइन आएगा थ्री एक्स तक हमने सॉल्व कर दिया अब इसके बाद क्या है प्लस टेन यहाँ पर प्लस टेन नोट करना होगा अब यहाँ पर टोटल टू टर्म्स हो गए और यहाँ पर भी टोटल टू टर्म्स हैं ओके फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है माइनस फाइव एक्स अब यहाँ पर माइनस का साइन है यहाँ पर एक्स में है क्या माइनस का साइन नहीं है तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन नोट करना होगा अब यहाँ पर फाइव है Osionfish. इस वाले एक्स में फाइव है क्या नहीं है तो, तो हमें यहाँ पर नोट करना होगा अब यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है एक्स मैच कर रहा है तो एक्स नहीं नोट करेंगे जो मैच कर रहा है उसे नहीं नोट करना है जो नहीं मैच कर रहा है उसे नोट करना होगा इसे एक्जैक्ट सेम करने के लिए अब माइनस फाइव का मल्टीप्लाई हमें एक्स माइनस टू में करना होगा माइनस फाइव का मल्टीप्लाई पहले एक्स में करना होगा कितना हो जाएगा माइनस फाइव एक्स माइनस को इग्नोर नहीं करना है कोई भी साइन आपको इग्नोर नहीं करना है अब यहाँ पर माइनस फाइव है और यहाँ पर माइनस टू है माइनस का साइन रिपीट हो रहा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में फाइव की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा अपने पास 10. अब यहाँ पर भी माइनस का साइन रिपीट हो रहा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में यहाँ पर माइनस फाइव एक्स है और यहाँ पर प्लस फाइव एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव इसी तरीके से एक बार प्लस का टेन है और ये वाला कैसा टेन है माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और कुछ नहीं बचा कितना आ गया जीरो अब हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल नोट करना होगा क्या है क्वेश्चन में पॉलिनोमियल एक्स की पावर थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस टेन और एक फैक्टर क्वेश्चन में बताया गया है क्या है एक्स माइनस टू और इसके आगे के फैक्टर हमें कैसे पता चलेंगे इस पॉलिनोमल से जो क्वेश्चन के प्लेस में लिखी हुई है क्या है एक्स स्क्वायेर माइनस फोर एक्स और माइनस फाइव यहां पर जो फर्स्ट फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे वैसे ही नोट करना होगा एक्स माइनस टू और बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस का साइन भी वैसे रहेगा अब यहां पर क्या है फाइव और यहां पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन करें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का तो हमारे पास कितना रहेगा फाइव अब फाइव को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा फाइव और वन ओके okay? वन तो सभी में आएगा फाइव के टेबल में वन टाइम में फाइव आएगा और सेंटर में हमें कितना लाना है फोर ऐड और लेस करने पर ओके okay. फाइव और वन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सिक्स और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा फोर तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे फाइव माइनस वन ओके फोर की प्लेस पर अब एक्स वैसे रहेगा माइनस फाइव भी वैसे रहेगा अब इसके बाद फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है एक्स माइनस टू इसे वैसे ही नोट करना होगा और इसे हम अभी फैक्टराइज कर रहे हैं अब यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट बनाना चाहो तो बिग ब्रैकेट बना दो स्मॉल ब्रैकेट बनाना चाहते हो तो स्मॉल ब्रैकेट बना दो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस फाइव और एक्स इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा माइनस फाइव एक्स अब इसके बाद माइनस माइनस वन और एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा कितना आएगा माइनस रिपीट हो रहा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में एक्स और वन का मल्टीप्लाई करने पर एक्स ही रहेगा माइनस फाइव वैसे ही नोट कर देते हैं अब इसके बाद फर्स्ट फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है इसे वैसे ही नोट करना होगा अब इसके बाद बिग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा एक्स और ब्रैकेट ओपन करना होगा अब ब्रैकेट के अंदर हमें नोट करना है जो बच रहा है यहाँ पर क्या बचेगा एक्स की पावर टू है वन टाइम हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर वन टाइम नोट करना होगा माइनस अब यहाँ पर क्या है फाइव एक्स अब यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस फाइव नोट करना होगा अब इसके बाद लास्ट टू टर्म्स में भी हमें कॉमन लेना होगा लास्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है प्लस एक्स माइनस फाइव इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं तो यहां पर हम क्या नोट कर देंगे प्लस वन ओके अब वन कॉमन लेने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होता प्लस का साइन है तो साइन भी चेंज नहीं होगा यहां पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस फाइव वैसे ओके फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या एक्स माइनस टू इसे वैसे ही नोट करना होगा अब यहाँ पर x माइनस फाइव रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये कॉमन है तो जो कॉमन है इसे पहले नोट कर देते हैं अब कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है यहाँ पर x बचा x note कर देंगे और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या है प्लस वन इसे नोट करेंगे अब यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर्स हमारे पास आ गए थ्री एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है फैक्टर हमारे पास क्या है एक्स प्लस नाइन और पॉलिनोमियल हमारे पास के एक्स की पावर थ्री प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी वन एक्स और माइनस फोर्टी फाइव अब डिवाइडेड में हमारे पास एक्स की पावर कितनी है थ्री और फैक्टर में हमारे पास कितनी पावर है एक्स की वन कितनी कम है यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स की पावर टू अब इसे एक्स की पावर टू का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा एक्स प्लस नाइन तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना आ जाएगा एक्स की पावर थ्री अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में करना होगा प्लस नाइन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नोट कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा पहले नोट किया जाता है यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी नहीं है नाइन के पास तो एक्स स्क्वायर वैसे ही नोट कर देंगे अब इसके बाद इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा अब यहाँ पर एक्स की पावर थ्री कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर थर्टीन एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव और नाइन एक्स स्क्वायर कैसा है नेगेटिव थर्टीन में नाइन माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास फोर एक्स स्क्वायर अब बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है प्लस का तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं नोट करेंगे ओके okay. अब इसके आगे क्या है प्लस थर्टी वन एक्स इसे करना करना Positive, तो नोट करना होगा अब फर्स्ट टर्म फैक्टर का एक्स है और यहां पर क्या है फोर एक्स स्क्वायर इसको एग्जैक्ट सेम करना होगा फोर कैसा है पॉजिटिव यहाँ पर प्लस का साइन नोट करना होगा फोर यहाँ पर नहीं दिया कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर फोर नोट करना होगा एक्स की पावर यहाँ पर टू है और यहाँ पर वन टाइम है तो वन टाइम यहाँ पर नोट कर देंगे अब प्लस फोर एक्स का मल्टीप्लाई में किस में करना होगा एक्स प्लस नाइन सबसे पहले प्लस फोर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायेयर अब यहाँ पर क्या है प्लस फोर एक्स और यहाँ पर प्लस नाइन प्लस 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 ही रहेगा सेम साइन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं नाइन और फोर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा नाइन की टेबल फोर टाइम्स पढ़िए या फोर की नाइन टाइम्स कितना आएगा थर्टी सिक्स यहाँ पर एक्स है यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक्स वैसे ही नोट करना होगा अब इसके बाद माइनस का साइन नोट करना होता है अब यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों एग्जैक्ट सेम है एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव कैंसिल हो गया अब यहाँ पर प्लस थर्टी वन एक्स है और यहाँ पर माइनस के थर्टी सिक्स एक्स है थर्टी सिक्स में थर्टी वन माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास फाइव और क्या है फाइव एक्स ओके एक्स एक्स स्क्वायर जो भी दिया हुआ है साथ पे वो नोट करना होगा और बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है माइनस का तो यहाँ पर माइनस नोट करेंगे थर्टी वन एक्स तक हम नोट कर चुके थे अब इसके बाद क्या है माइनस फोर्टी फाइव इसे नोट करना होगा अब इसके बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है माइनस फाइव एक्स और यहाँ पर क्या है एक्स इन्हें एग्जैक्ट सेम करने के लिए कितना कम है माइनस तो माइनस नोट कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइव तो फाइव नोट करना होगा एक्स मैच कर रहा है तो इसे नहीं नोट करेंगे अब माइनस फाइव का मल्टीप्लाई एक्स प्लस नाइन में करना होगा सबसे पहले क्या आएगा माइनस फाइव एक्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में नाइन के टेबल फाइव टाइम्स पढ़िए या फाइव की नाइन टाइम्स कितना आ जाएगा फोर्टी फाइव अब यहाँ पर इसे हमें सब करना होगा माइनस के साइन रिपीट हो रहे हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे अब यहाँ पर माइनस फाइव एक्स है और लास्ट वाला फाइव एक्स कैसा है पॉजिटिव एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव कैंसिल हो गया इसी तरीके से फोर्टी फाइव यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं है यहाँ पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर जीरो अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने फैक्टर्स आ रहे हैं ये हमें बताना है एक फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है एक्स प्लस नाइन इसे वैसे ही नोट करना होगा और फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन के थ्रू तो ये क्वेश्चन हम नोट करेंगे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और माइनस फाइव ओके फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या एक्स प्लस नाइन इसे वैसे ही नोट कर देते हैं और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव ये एक क्वारिक है इसे वैसे ही सॉल्व करना होगा फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट कर देंगे एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस अब सेंटर में हमें एड और लेस करने पर कितना लाना है फोर तो सेम वैसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट क्योंकि हमें यहाँ पर फोर लाना है फाइव में वन माइनस कर देंगे और एक्स वैसे ही रहेगा माइनस फाइव वैसे रहेगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे फर्स्ट फैक्टर वैसे ही नोट कर देते हैं अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस फाइव का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना आएगा फाइव एक्स और प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में एक्स का मल्टीप्लाई वन में भी करना होगा तो एक्स आ जाएगा माइनस फाइव वैसे ही रहेगा अब इसके बाद एक्स प्लस नाइन वैसी रहेगा फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स और न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नहीं नोट करेंगे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा फाइव अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना होगा और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन नोट करना होगा अब वन कॉमन लेने के बाद कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू चेंज नहीं होती ओके तो यहाँ पर माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और वन से फाइव को डिवाइड करेंगे तो फाइव टाइम्स में डिवाइड होगा ओके माइनस का साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं अब हमें इसे ब्रैकेट में क्लोज करना होगा अब इसके बाद x प्लस नाइन वैसे रहेगा और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है x प्लस फाइव इसे एक ब्रैकेट में नोट करना होगा क्योंकि ये कॉमन है और यहाँ पर क्या बच रहा है रिपीट होने के बाद x माइनस वन इसे नोट करना होगा एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम वैसी है अब यहाँ पर हमें क्या फैक्टर दिया है थ्री एक्स प्लस टेन और पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है नाइन एक्स की पावर थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड एक्स और प्लस थ्री हंड्रेड डिवाइडेड में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है नाइन एक्स की पावर थ्री और फैक्टर में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है थ्री एक्स ओके ये तो और सिंपल है जैसे हम डिवाइड करते हैं तो थ्री की टेबल में नाइन कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में तो यहाँ पर थ्री नोट करते हैं फिर नाइन नोट करते हैं राइट तो बस सेम वैसे यहाँ पर भी है थ्री की टेबल में नाइन कितने टाइम्स में आएगा थ्री टाइम्स में तो यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा थ्री और एक्स की पावर यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर वन टाइम एक्स है ओके तो एक्स कितना कम है टू तो एक्स की पावर टू नोट कर दी यहाँ पर आप इसे रफ में सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो ओके मैं डायरेक्ट बता रही हूँ यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर थ्री एक्स थ्री की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा नाइन और x की पावर यहाँ पर टू है और यहाँ पर x वन टाइम तो टोटल x की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी थ्री अब इस थ्री एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस टेन भी करना होगा यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस का दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा थ्री की टेबल टेन टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा थर्टी या टेन की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ लीजिए और क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया तो एक्स स्क्वायर वैसे ही नोट करना होगा अब हमें क्या करना है सब अब यहाँ पर नाइन एक्स की पावर थ्री नाइन एक्स की पावर थ्री से कैंसिल हो जाएगा क्यों होगा ये आपको पता है एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव ओके अब यहाँ पर माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर है और माइनस के ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर है तो दोनों को हमें ऐड करना होगा ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा फिफ्टी सेवन एक्स स्क्वायर और साइन कौन सा आएगा माइनस का बड़ी वैल्यू क्या कौन सा साइन है माइनस का तो माइनस नोट करेंगे क्योंकि ये माइनस की वैल्यूज़ है ओके okay? अब माइनस वन हंड्रेड एक्स वैसे ही नोट करना होगा अब फैक्टर में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है थ्री एक्स और डिवाइडेंट और पॉलिनोम में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है माइनस फिफ्टी सेवन एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है इसमें इसमें नहीं है तो माइनस का साइन नोट करना होगा और थ्री से हमें फिफ्टी सेवन को डिवाइड करना होगा आप कहीं रफ में डिवाइड कर दो या फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेबल में फिफ्टी सेवन थ्री टाइम्स में आता है यहाँ पर आ जाएगा नाइनटीन ओके okay? न्यूमेरिकल वैल्यूज को वैसे ही डिवाइड करना है जैसे हम डिवाइड नॉर्मल करते हैं और x यहाँ पर वन टाइम है और यहाँ पर टू टाइम्स तो कितना कम है वन टाइम ओके तो जितना कम है उतना नोट करना होगा तो पहले माइनस नाइनटीन एक्स का मल्टीप्लाई थ्री एक्स पे करेंगे नाइनटीन की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा फिफ्टी सेवन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और एक्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर पावर टू आ जाएगी क्योंकि दोनों जगह वन टाइम है अब इसके बाद माइनस नाइनटीन एक्स का मल्टीप्लाई किस में करना होगा प्लस टेन माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में नाइन्टीन की टेबल टेन टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन्टीन में एक्स है लेकिन टेन में एक्स नहीं है तो एक्स सिर्फ वन टाइम आएगा अब इसके बाद हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस का साइन रिपीट हो रहा है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पर फिफ्टी सेवन एक्स स्क्वायर से फिफ्टी सेवन एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव। अब माइनस वन हंड्रेड एक्स है और प्लस के वन नाइन्टी एक्स है प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होता है माइनस में वन नाइन्टी एक्स में वन हंड्रेड एक्स माइनस करना होगा कितने एक्स बचेंगे नाइन्टी एक्स वन नाइन्टी पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा अब वन हंड्रेड एक्स तक हम नोट कर चुके हैं इसके आगे क्या है प्लस थ्री हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड हमें नोट करना होगा अब फैक्टर में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है थ्री एक्स और डिवाइडेड में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है नाइन्टी एक्स इन दोनों को हमें एग्जैक्ट सेम करना होगा नाइन्टी यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आएगा थ्री से नाइन्टी को आप रफ में डिवाइड कर देना यहाँ पर कितना आ जाएगा थर्टी ओके ये थर्टी टाइम्स में डिवाइड होगा एक्स मैच कर रहा है तो एक्स नहीं नोट करेंगे पहले प्लस थर्टी का मल्टीप्लाई थ्री एक्स में करते हैं कितना आ जाएगा थर्टी की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा नाइनटी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना थ्री की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा नाइन और जीरो है तो ज़ीरो नोट कर देंगे एक्स यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो वन टाइम एक्स है वन टाइम एक्स नोट करना होगा अब प्लस थर्टी का मल्टीप्लाई प्लस टेन में करना होगा कितना आ जाएगा प्लस थ्री की टेबल वन टाइम पढ़ेंगे कितना आएगा थ्री और ज़ीरो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी तो टू टाइम्स ज़ीरो यहाँ पर नोट कर देते हैं अब यहाँ पर नाइन्टी एक्स एक बार पॉजिटिव है एक बार, बार, बार नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से थ्री हंड्रेड भी एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव ये भी कैंसिल हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा जीरो में ये पॉलिनोम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे नोट करना होगा और फैक्टर दिया है क्या है फैक्टर थ्री एक्स प्लस टेन इसे वैसे ही नोट करेंगे क्वेश्चन हमारे पास कितना आया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स और प्लस थर्टी अब इसके बाद जो फैक्टर हमें दिया है इसे वैसे ही नोट करना होगा थ्री एक्स प्लस टेन और सेकेंड ब्रैकेट के लिए हमें बिग ब्रैकेट ओपन करना होगा फर्स्ट टर्म वैसे नोट कर देंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अब यहां पर क्या है नाइनटीन और यहाँ पर क्या है थर्टी और थ्री में हमें क्या करना होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा नाइन्टी क्योंकि यहाँ पर थर्टी और थ्री अब इस नाइन्टी को हमें क्या करना होगा प्राइम फैक्ट्राइज अब हमने यहाँ पर नाइनटी को प्राइम फैक्ट्राइज किया अब इसके बाद हमें सेंटर में क्या लाना है नाइनटीन तो नाइनटीन लाने के लिए हमें क्या करना होगा फाइव की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा टेन और थ्री की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा नाइन टेन और नाइन को ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा नाइनटीन यहाँ पर नाइनटीन की प्लेस में हम क्या नोट कर देंगे टेन प्लस नाइन या नाइन प्लस टेन जो भी आप नोट करना चाहो अब इसके बाद एक्स वैसे नोट कर देंगे ब्रैकेट के बाहर प्लस थर्टी वैसी रहेगा और ब्रैकेट क्लोज करना होगा फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास जो भी वैल्यू है इसे वैसे ही नोट करना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन में गिवन है अब इसके बाद फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे माइनस टेन का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे हो जाएगा टेन एक्स ओके माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में नाइन का मल्टीप्लाई भी एक्स में करना होगा ये हो जाएगा नाइन एक्स और प्लस थर्टी वैसे रहेगा फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है थ्री एक्स प्लस टेन इसे वैसे ही नोट करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास फोर टर्म्स हैं तो फर्स्ट टू टर्म्स में हमें कॉमन लेना होगा फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन अल्फाबेट में हमारे पास एक्स कॉमन है तो एक्स नोट कर देंगे अब इस एक्स से हमें डिवाइड करना होगा दोनों ही टर्म में यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर है एक्स से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा थ्री और एक्स एक एक्स कम हो जाएगा डिवाइड करने पर हमेशा पावर कम होती है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करेंगे अब इस x से टेन एक्स को भी डिवाइड करना होगा x से एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा टेन अब यहाँ पर माइनस नोट करना होगा इन दोनों में क्या कॉमन है नाइन और थर्टी ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं थ्री की यहाँ पर थ्री कॉमन हो जाएगा अल्फाबेट में कुछ भी कॉमन नहीं है अब इसके बाद हमें माइनस थ्री से डिवाइड करना होगा इन दोनों टर्म में तो सबसे पहले नाइन एक्स में करेंगे माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में थ्री से नाइन में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा थ्री टाइम्स में और यहाँ पर क्या बचा x माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में थ्री से थर्टी कितने टाइम्स में डिवाइड होगा टेन टाइम्स में अब इसके बाद फर्स्ट फैक्टर वैसी रहेगा थ्री एक्स प्लस टेन और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है थ्री एक्स माइनस टेन और जो कॉमन लेने के बाद बच रहा है उसे नोट करना होगा एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव में भी हमारे पास पॉलिनोमल है और फैक्टर है इसे भी हमें फैक्टराइज करना है सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट सेम कर देते हैं एक्स की पावर यहाँ पर फोर है और यहाँ पर एक्स वन टाइम तो कितना कम है एक्स की पावर थ्री अब इस एक्स की पावर थ्री का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले एक्स में करेंगे कितना आएगा एक्स की पावर फोर और फिर एक्स की पावर थ्री आएगी तो इसके नीचे इसे नोट कर देंगे कौन सा साइन नोट करेंगे माइनस का और वन है तो यहाँ पर सिर्फ वन टाइम एक्स की पावर थ्री आ जाएगी अब माइनस का साइन नोट करना होगा अब यहाँ पर एक्स की पावर फोर एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर माइनस सेवन एक्स क्यूब है और प्लस एक्स क्यूब है तो इसे माइनस करना होगा कितने एक्स क्यूब बचेंगे सिक्स ओके और साइन कौन सा आएगा माइनस का अब यहाँ पर ये यह सारे टर्म्स जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर हम नोट करके सॉल्व करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ओके अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट सेम टर्म आ जाए सेम पावर के साथ और आप इसे जितने भी डिवाइजर में टर्म्स दे रखे उतने नोट करके भी सॉल्व कर सकते हैं तो ये वाला मेथड भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा बेटर है अगर हम सारे टर्म्स यहाँ पर नोट करेंगे तो, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारी पावर्स एक जैसी आ जाए तो जो पावर मैच कर रही होगी उसके नीचे उस टर्म को नोट कर देंगे और जो मैच नहीं कर रही उसे हम साइड में अलग नोट कर देंगे यहाँ पर हम नोट कर देंगे प्लस नाइन एक्स स्क्वेर प्लस सेवन एक्स और माइनस टेन तो जितने भी टर्म्स हमारे पास बाकी हैं वो सब भी हमें यहाँ पर नोट करने होंगे अब और इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब इसके बाद फिर से जो हाईएस्ट पावर है मतलब फर्स्ट टर्म है इसे एग्जैक्ट सेम करना होगा यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर सिक्स है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो सिक्स भी नोट करना होगा और एक्स की पावर यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर एक्स वन टाइम है कितना कम है एक्स की पावर टू यहाँ पर नोट कर देंगे अब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन में करना होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स की पावर थ्री अब यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में वन से मल्टीप्लाई करने पर सिक्स एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा अब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर सिक्स एक्स क्यूब एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ पर नाइन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का है इन दोनों को माइनस करना होगा कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर और इसके बाद क्या है प्लस सेवन एक्स माइनस टेन इसे वैसे ही नोट करना होगा अब यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट सेम करना है ये कैसा है पॉजिटिव तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो थ्री नोट करना होगा और यहाँ पर एक्स की पावर टू है और यहाँ पर एक्स वन टाइम है एक्स वन टाइम यहाँ पर नोट करना होगा अब इसके बाद प्लस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना है कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायेर और प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और थ्री एक्स वैसे रहेगा अब इसके बाद थ्री एक्स स्क्वायर एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सेवन एक्स और थ्री एक्स को एड करना होगा कितने एक्स हो जाएंगे टेन एक्स और माइनस टेन वैसे ही नोट करना होगा अब ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव यहाँ पर प्लस का साइन नोट करना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर टेन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर टेन नोट करना होगा अब प्लस टेन का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा कितना आएगा टेन एक्स और माइनस टेन माइनस का साइन नोट करना होता है अब यहाँ पर टेन एक्स में से टेन एक्स माइनस हो जाएगा और टेन में से टेन भी माइनस हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर तो जीरो ही रहेगा क्योंकि इसका फैक्टर है अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस टेन अब यहाँ पर क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है यहाँ पर हाईएस्ट पावर थ्री है इसका मतलब हम इसे और इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसके लिए हमें फैक्टर पता करना होगा कि इसका फैक्टर क्या है ये किससे डिवाइड होगा पूरी तरीके से ओके okay. तो सबसे पहले इसे यहाँ पर नोट कर देते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन की प्लेस में जो भी हमारे पास आया उसे हमने यहाँ पर नोट कर दिया और यहाँ पर हमें रिमाइंडर ज़ीरो लाना है रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तब हम फैक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे अब यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी ऐसी वैल्यू जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए यहाँ पर हम नोट करेंगे सब्सटीट्यूटिंग अब यहाँ पर हमें इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है फैक्टर हमें तब पता चलेगा जब एक्स की वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए इसे हमें अपनी तरफ से एज्यूम करना होगा यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओके एक्स की प्लेस में हमें क्या नोट करना होगा माइनस वन क्योंकि वन पुट करने पर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा इसलिए हम यहाँ पर माइनस वन पुट करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर ही यह आपको अपने आप सोचना होगा कि यहाँ पर कितना पुट करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा ओके ये वैल्यू आपको खुद सोच कर लिखनी है और ये सब वैल्यूज को आप रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हैं ओके पहले रफ में सॉल्व कर लीजिएगा और देखिए अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं जिस वैल्यू में रिमाइंडर जीरो आ रहा है उसे यहाँ पर आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं अब यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना है माइनस वन ओके तो एक्स जहाँ पर भी लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे माइनस वन यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस सिक्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन और प्लस टेन वन की पावर कितनी भी हो वैल्यू हमेशा हो वन होती है पावर ऑड है तो माइनस का साइन आ जाएगा अब यहाँ पर पावर इवन है और वन से मल्टीप्लाई करने पर सिक्स वैसे ही रहेगा माइनस का साइन दिया है तो माइनस का साइन नोट कर देंगे अब यहाँ पर माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में और थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे थ्री ही रहेगा प्लस टेन अब माइनस वाली सारी वैल्यूज को अगर ऐड करें कितना हो जाएगा सिक्स वन सेवन और थ्री टेन तो माइनस के टेन हो जाएगा और प्लस टेन सिंगल टाइम है इसे वैसे ही नोट कर देंगे आप इसे जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो टेन में टेन माइनस कर दें कितना आएगा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया अब यहाँ पर x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया माइनस वन इसे पुट करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास कितना आया ज़ीरो तो इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर क्या हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा फैक्टर कभी भी इक्वल के साइन के साथ नहीं होता ओके तो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू दे रखी इसे हमें रिप्लेस करना होता है जैसे यहाँ पर माइनस वन है इक्वल के बाद तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा ओके इसे रिप्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एल एच एस में एक्स के पास लेकर आना होगा ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन ओके जो वैल्यू हमने पुट करी है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसे हमें रिप्लेस करना है फैक्टर हमेशा प्लस माइनस के साइन के साथ आपको दिखाई देंगे कभी भी इक्वल के साइन के साथ नहीं होता ओके okay? तो अगर इक्वल में वैल्यू हमने पुट करी है तो इसे रिप्लेस करना होता है एक्स के साइड अब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसका फैक्टर हमें मिल गया अब हमें इसे फिर से डिवाइड करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे अब यहाँ पर नोट कर देते हैं अगेन फैक्टर हमारे पास क्या है एक्स प्लस वन ओके और पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है एक्स की पावर थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस टेन अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही डिवाइड करना होगा ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा यहाँ पर हम इसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन की प्लेस में वैल्यू मिले और हम उसे फैक्टराइज कर सकें यहाँ पर भी हमें एक्स की पावर को सेम करना होगा डिवाइडेड में एक्स की पावर थ्री है और यहाँ पर एक्स वन टाइम कितना कम है एक्स की पावर टू अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा कितना आएगा एक्स की पावर थ्री और प्लस के साइन के साथ एक्स की पावर टू अब यहाँ पर एक्स क्यूब एक बार पॉजिटिव एक बार, बार नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर सिक्स एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है ये दोनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन आएगा इसके बाद क्या है प्लस थ्री एक्स और प्लस टेन अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट सेम करना होगा यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में सेवन है सेवन नोट करना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स नोट करना होगा अब माइनस सेवन एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में सेवन एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे कितना आएगा सेवन एक्स अब यहाँ पर माइनस का साइन नोट करना होगा अब यहाँ पर सेवन एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और सेवन एक्स और थ्री एक्स एड करना होगा कितने एक्स हो जाएंगे टोटल टेन एक्स और प्लस टेन भी नोट करना होगा अब फर्स्ट टर्म को फिर से एग्जैक्ट सेम करना है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में टेन है और ये पॉजिटिव है प्लस का साइन नोट करना होगा और टेन भी नोट करना है एक्स यहाँ पर सेम है तो यहाँ नोट नहीं करेंगे अब प्लस टेन का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा यहाँ पर कितना आएगा टेन एक्स और प्लस टेन अब यहाँ पर टेन एक्स में से टेन एक्स को माइनस करना होगा और यहाँ पर टेन से टेन भी कैंसिल हो जाएगा रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया जीरो अब यहाँ पर क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर टू है तो अब यहाँ पर हम इसे इस डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर ये यह डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा तो अब इसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं अभी तक वो नोट कर देते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें फैक्टर दिया हुआ था वो नोट करना होगा क्या दिया गया था एक्स माइनस वन फिर इसके बाद सेकेंड फैक्टर हमने फाइंड आउट किया फॉर द सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है एक्स प्लस वन इससे इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया तो इसे हमें नोट करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और प्लस टेन अब इसके बाद ये दोनों फैक्टर तो हम वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं कर सकते ये फाइनल फैक्टर हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल को हम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल को और हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर कितना आएगा फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे माइनस सेवन की प्लेस पे हमें ऐसी वैल्यू नोट करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर टेन आए और एड और लेस करने पर सेवन आए फाइव की टेबल में टू टाइम्स में कितना आता है टेन और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा सेवन फाइव टू जार टेन और फाइव प्लस टू मतलब सेवन और x बाहर है तो x नोट कर देंगे प्लस टेन और आप इसे प्राइम फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ पर x माइनस वन और x प्लस वन वैसे ही नोट करना होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट जाएगा। हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और प्लस टेन अब इसके बाद एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन वैसे ही नोट करेंगे अब फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इन दोनों में कॉमन लेना होगा एक्स कॉमन आ जाएगा अब ब्रैकेट ऑन करेंगे इसके अंदर नोट करेंगे जो वैल्यू बची है यहाँ पर एक्स बच रहा है और माइनस फाइव अब यहाँ पर लास्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है माइनस टू एक्स प्लस टेन यहाँ पर माइनस नोट करना होगा और इन दोनों में क्या कॉमन है टू टू की टेबल में टू आ जाएगा और टू से टेन भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर टू कॉमन है अल्फाबेट में कुछ भी कॉमन नहीं है अब यहाँ पर क्या बचा एक्स माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में टू से टेन को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में कैंसल होगा फाइव टाइम्स में अब इसके बाद x माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वन ऐसे ही रहेगा अब यहाँ पर x माइनस फाइव रिपीट हो रहा है तो इसे पहले नोट कर देते हैं और कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है x माइनस टू अब क्वेश्चन में जो हमें पोलिनोम दिया था इसे हम पूरी तरीके से फैक्टराइज कर चुके हैं यहाँ पर टोटल फोर फैक्टर्स हमारे पास आ गए अब इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता एंड दिस इज आर फाइनल आंसर अब यहाँ पर एक हिंट भी है यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इसकी डिग्री क्या है फोर तो यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर्स आएंगे हमारे पास फोर मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही रहेगा और जिसकी हाईएस्ट पावर थ्री होगी वहां पर टोटल थ्री फैक्टर्स मिलेंगे जहां पर हाईएस्ट पावर टू होगी वहां पर टोटल टू फैक्टर्स मिलते हैं ओके लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर ऐसा नहीं होता है आई होप आपको समझ में आ गया हो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर फिफ्टीन तक एक जैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर सभी में पॉलिनोमल दिया है लेकिन फैक्टर नहीं दिया गया तो फैक्टर हमें खुद फाइंड आउट करना होगा कि इसका फैक्टर क्या है और इसे फैक्टराइज करना है यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ पॉलिनोमल दिया है और इसे फैक्टराइज करना है ओके okay? इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें फैक्टर पता करना होगा फैक्टर क्या होता है एक्स की ऐसी वैल्यू जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आए यहाँ पर हमें रिमाइंडर नोट करना होगा क्वेश्चन में जो पॉलिनोमल हमें दिया गया है उसे हमें यहाँ पर नोट करना होगा एक्स की पावर थ्री प्लस सिक्स एक्स स्क्वायेर प्लस अलेवन एक्स और प्लस सिक्स इसे हमें यहाँ पर नोट करना होगा अब यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आए उससे हमें पता चलेगा कि इसका फैक्टर क्या है अब यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर हम वन पुट करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि सब जगह प्लस का साइन है तो फिर हमें ऐड करना होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ पर एक्स की जगह पर हम माइनस वन पुट करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं यहाँ पर हम नोट कर देंगे सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अब यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना है माइनस वन माइनस वन की पावर थ्री प्लस सिक्स माइनस वन की पावर टू प्लस अलेवन माइनस वन और प्लस सिक्स अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन क्योंकि पावर ऑड है यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा क्योंकि पावर यहाँ पर इवन है सिक्स भी वैसे रहेगा माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा अलेवन नोट करेंगे और प्लस सिक्स वैसे ही रहेगा अब यहाँ पर आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो यहाँ पर माइनस वालों को ऐड कर रही करी हूं, कितना हो जाएगा माइनस ट्वेल्व और प्लस की वैल्यूज ऐड करेंगे कितना आएगा प्लस ट्वेल्व अब ट्वेल्व में ट्वेल्व माइनस करेंगे कितना आएगा ज़ीरो अब यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू हमने पुट करी थी माइनस वन जिसमें रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ गया था ओके तो अब हमें फैक्टर पता चल जाएगा फैक्टर हमारे पास कितना आएगा इस वन को हमें रिप्लेस करना होगा एक्स की प्लेस में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन यहाँ पर माइनस वन है इसे रिप्लेस करेंगे ये प्लस में कन्वर्ट होगा एल में जाकर यहाँ पर हमने फैक्टर पता किया इसका क्या है एक्स प्लस वन अब इस एक्स प्लस वन से इस पॉलिनोमेल को डिवाइड करना होगा ताकि हमें क्वेश्चन पता चले और हम इसे फैक्टराइज कर सकें यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमेल क्या है एक्स की पावर थ्री प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स और प्लस सिक्स अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट सेम करना है एक्स की पावर यहाँ पर टू आएगी अब यहाँ पर सेम ही डिवाइड करना है एक्स की पावर टू है इसका मल्टीप्लाई करना होगा एक्स प्लस वन में कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर माइनस करना होगा कितने एक्स स्क्वायर बचे फाइव एक्स स्क्वायर अब प्लस अलेवन एक्स और प्लस सिक्स वैसे ही नोट करना होगा अब इसे एग्जैक्ट सेम करने के लिए कितना कम है प्लस फाइव एक्स अब इस प्लस फाइव एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नोट करेंगे ये हो जाएगा फाइव एक्स अब यहाँ पर फाइव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ पर अलेवन में से फाइव माइनस करेंगे कितना आएगा सिक्स एक्स और प्लस सिक्स वैसे ही नोट कर देंगे अब यहाँ पर सिक्स एक्स है पॉजिटिव यहाँ पर प्लस सिक्स नोट करना होगा एक्स मैच कर रहा है अब सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सिक्स एक्स और प्लस 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 ही रहेगा सिक्स वन जार सिक्स ही रहेगा अब यहाँ पर सिक्स एक्स से सिक्स एक्स और सिक्स से सिक्स कैंसिल होगा रिमाइंडर कितना आया ज़ीरो अब इसे सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास एक्सप्रेशन आई है वो कैसी है कॉर्डेटिव पॉलिनोमियल तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर अब हमें नोट करना होगा दस यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया और फैक्टर सबसे पहला हमारे पास क्या आया एक्स प्लस वन और इससे इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हम यहाँ पर नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अब फर्स्ट फैक्टर जो भी हमारे पास है इसे वैसे ही नोट करना होगा अब यहां पर फर्स्ट टर्म वैसी रहेगा प्लस और सेंटर में हमारे पास क्या है फाइव अब यहां पर हमें ऐसी वैल्यू नोट करनी है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आए और एड या लेस करने पर फाइव आए यहां पर हम टू प्लस थ्री या थ्री प्लस टू नोट कर सकते हैं अब इसके बाद प्लस सिक्स वैसी रहेगा अब x प्लस वन वैसी नोट कर देते हैं और फर्स्ट टर्म भी वैसी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस अब टू का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे टू एक्स हो जाएगा दोनों साइड प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा और थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे थ्री एक्स प्लस सिक्स वैसे ही रहेगा उसके बाद जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया इसे वैसे ही नोट करेंगे अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स और कॉमन लेने के बाद क्या बचा वन टाइम एक्स प्लस यहाँ पर सिर्फ टू और यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा इन दोनों में कॉमन क्या है थ्री तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा x और थ्री टू जार सिक्स अब यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर वैसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है x प्लस टू इसका मतलब ये कॉमन है इसे वन टाइम नोट करना होगा और फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचा x और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बचा प्लस थ्री ओके तो टोटल तो यहाँ पर हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के थ्री एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन भी सेम वैसे ही है यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया है और फैक्टर्स हमें पता करने हैं तो सबसे पहले हमें रिमाइंडर नोट करना होगा यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनोमियल नोट करेंगे एक्स की पावर थ्री प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और माइनस फिफ्टीन अब यहाँ पर हम एक्स की जगह पर वन पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन दिया गया यहाँ पर हमने नोट कर दिया सब्सिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू वन ओके एक्स की जगह पर हम क्या नोट करने वाले हैं वन यहाँ पर हो जाएगा वन की पावर थ्री प्लस सेवन वन की पावर टू प्लस सेवन ब्रैकेट में वन माइनस फिफ्टीन अब वन की पावर कितनी हो वैल्यू हमेशा वन होगी प्लस सेवन यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर प्लस सेवन रहेगा माइनस फिफ्टीन वैसे ही नोट कर देंगे अब इन सब को ऐड करने पर फिफ्टीन आएगा और माइनस फिफ्टीन वैसे ही रहेगा 15 में 15 माइनस करेंगे ज़ीरो आएगा अब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है जब हम x की जगह पर वन पुट कर रहे हैं यहाँ पर हमें फैक्टर पता चल गया फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस वन यहाँ पर वन पॉजिटिव है एल में जाकर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस वन अब इसे x माइनस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा यहाँ पर फैक्टर हमारे पास क्या x माइनस वन और पॉलिनोमियल के एक्स की पावर थ्री प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और माइनस फिफ्टीन यहाँ पर भी सेम वैसे ही डिवाइड करना होगा यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे एक्स की पावर टू क्योंकि यहाँ पर एक्स वन टाइम है अब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा एक्स की पावर थ्री और माइनस एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर में वन एक्स स्क्वायर और ऐड करना होगा कितने एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएंगे एट एक्स स्क्वायर और प्लस सेवन एक्स और माइनस फिफ्टीन वैसे ही नोट कर देंगे अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और एट और एक्स आ जाएगा अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा एट एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होता यहाँ पर एट एक्स वैसे ही रहेगा अब यहाँ पर भी एट एक्स स्क्वायर से एट एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सेवन और एट को ऐड करने पर कितना आएगा फिफ्टीन एक्स और माइनस फिफ्टीन वैसे ही नोट करेंगे अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और फिफ्टीन नोट करना होगा अब इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा फिफ्टीन एक्स और माइनस फिफ्टीन अब यहाँ पर फिफ्टीन एक्स से फिफ्टीन एक्स कैंसिल होगा और फिफ्टीन से फिफ्टीन कैंसिल होगा क्योंकि दोनों एक बार पॉजिटिव हैं और एक बार नेगेटिव अब यहाँ पर रिमाइंडर तो ज़ीरो ही क्योंकि इसका फैक्टर है यहाँ पर हमने इसको डिवाइड इसलिए किया है ताकि हमें क्वेश्चन पता चल जाए अब यहाँ पर क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे और इसका पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया एक्स माइनस वन यहाँ पर हमें एक्स माइनस वन नोट करना होगा और इसे डिवाइड करने पर क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास क्या आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हमें नोट करना होगा अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है फर्स्ट फैक्टर हम वैसे ही नोट करेंगे हर एक स्टेप में और यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इसका फर्स्ट हम वैसे ही नोट कर देते हैं प्लस अब यहाँ पर सेंटर में हमें ऐसे डिजिट नोट करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर फिफ्टीन आए और एड या लेस करने पर एट आए अब यहाँ पर हम ऐट की प्लेस में क्या नोट कर सकते हैं थ्री प्लस फाइव फाइव और थ्री को हम ऐड कर दें तो हमारे पास एट आएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास फिफ्टीन आएगा ओके अब यहाँ पर एक्स वैसे रहेगा प्लस फिफ्टीन वैसे ही नोट कर देंगे अब एक्स माइनस वन तो वैसे ही रहेगा अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे थ्री एक्स हो जाएगा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा और फाइव एक्स आ जाएगा प्लस फिफ्टीन अब यहाँ पर एक्स माइनस वन वैसे रहेगा और फर्स्ट टू टर्म में हमें कॉमन लेना होगा फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है एक्स यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री और प्लस का साइन नोट कर देंगे लास्ट टू टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है फाइव यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस फाइव के टेबल में फिफ्टीन कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में यहाँ पर एक्स माइनस वन वैसे ही रहेगा अब यहाँ पर एक्स प्लस थ्री रिपीट हो रहा है इसे नोट कर देते हैं क्योंकि ये कॉमन है और कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है एक्स प्लस फाइव अब इसको फैक्टराइज करने के बाद कितने फैक्टर्स इसके आए थ्री ओके अब इससे ज्यादा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स नहीं आ सकते एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर एट भी सेम वैसे है यहाँ पर पहले हमें फैक्टर पता करना होगा फिर इसे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा अब यहाँ पर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी तो ये एक आइडेंटिटी है ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर पेज नंबर एटी में हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पर जो पॉइंट जे में हमारे पास आइडेंटिटी है ये यहाँ पर अप्लाई हो सकती है यहाँ पर क्या दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी और अगर आप इसे रिप्लेस करो तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि आर एच एस में ये पॉजिटिव है ओके तो इसी फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है जीरो के बराबर अब इससे हम किसी एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या हो जाएगी बी प्लस सी है दूसरे साइड जाकर कैसा हो जाएगा नेगेटिव यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई अब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर हम नोट कर देंगे रिमाइंडर अब रिमाइंडर के लिए हमें पॉलिनोमियल नोट करना होगा क्या दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी अब ए की प्लेस पे हमें क्या नोट करना होगा माइनस बी प्लस सी ओके यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे माइनस बी प्लस सी और हमेशा ब्रैकेट में नोट करिएगा क्योंकि एक से ज्यादा टर्म ओके okay. और इसका क्या है होल क्यूब तो हमें होल क्यूब नोट करना होगा अब इसके बाद क्या है प्लस बी क्यूब तो बी की वैल्यू तो हमें नहीं पता सिर्फ ए की वैल्यू हमने पता की है तो बी क्यूब वैसे ही रहेगा और इसी तरीके से सी क्यूब की भी वैल्यू हमें नहीं पता इसे भी हम वैसे ही नोट कर देंगे अब इसके बाद क्या है माइनस थ्री यहाँ पर वैसे ही रहेगा ए की प्लेस में हमें क्या नोट करना होगा मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं यहाँ पर आ जाएगा माइनस और बी प्लस सी और ए के बाद क्या है बी यहाँ पर बी नोट करना होगा और बी के बाद क्या है सी तो हमें सी नोट करना होगा ओके okay? यहाँ पर ए की प्लेस में हमने क्या नोट कर दिया बी प्लस सी ब्रैकेट में और बाहर माइनस ओके okay? अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो पहले माइनस का साइन नोट कर देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करेंगे ये ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा क्या हो जाएगी ए की प्लेस में बी ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब सी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ओके प्लस थ्री ए बी ए की प्लेस में हमारे पास बी है और बी की प्लेस में हमारे पास सी है और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा बी प्लस सी क्योंकि ए प्लस बी होता है ब्रैकेट में और इसे बिग ब्रैकेट में क्लोज करना होगा इसे बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं अब इसके बाद क्या है बी क्यूब और सी क्यूब इसे वैसे ही नोट करना होगा अब इसके बाद माइनस का साइन यहाँ पर रिपीट हो रहा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में अब थ्री वैसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर क्या है बी सी तो इसे पहले नोट कर देते हैं और ब्रैकेट में क्या है बी प्लस सी इसे बाद में नोट कर देंगे इन दोनों को साथ में नोट करने का रीज़न है क्या रीज़न है यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट सेम वैल्यू है यहाँ पर बी क्यूब है सी क्यूब है थ्री बी सी है और बी प्लस सी है सेम ऐसी यहाँ पर भी है तो यहाँ वाली सारी वैल्यूज़ कैसी हो जाएंगी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस ओके तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगी और यहाँ वाली सारी वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव तो एक बार कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो और एक बार पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाती है यहाँ पर रिमाइंडर आप डायरेक्ट जीरो नोट कर सकते हैं अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा माइनस का बी क्यूब फिर इसी तरीके से सी क्यूब भी नेगेटिव होगा जब इसे ब्रैकेट से बाहर करेंगे इसी तरीके से थ्री बी सी भी नेगेटिव हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है बी प्लस सी इसे वैसे ही नोट करना होगा अब इसके बाद क्या है प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री बी सी और ब्रैकेट में बी प्लस सी अब यहाँ पर बी क्यूब एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा सी क्यूब भी एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और थ्री बी सी के साथ जो ब्रैकेट में बी प्लस सी है एक ही टर्म है एक बार नेगेटिव है और एक बार पॉजिटिव तो ये पूरा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या हो गई कैंसिल तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया जीरो क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आया है इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है इसका फैक्टर ओके और अगर ये इसका फैक्टर है तो अब हमें इसे डिवाइड करना होगा अब यहाँ पर फैक्टर क्या है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेंट की प्लेस में हमारे पास क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी अब यहाँ पर हमें इसे पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर ए की पावर थ्री है और यहाँ पर ए वन टाइम है यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा जितनी पावर कम है ए की पावर टू कम है इसे पावर थ्री में कन्वर्ट करने के लिए अब इस ए की पावर टू का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में करना होगा सबसे पहले ए की पावर टू का मल्टीप्लाई ए में करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा ए क्यू फिर इसी तरीके से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी में करना होगा यहाँ पर ए की पावर टू आ रही है तो डिवाइडेड में कहीं पर भी ए की पावर टू नहीं दी गई इसे हमें साइड में नोट करना होगा यहाँ पर हम नोट कर देंगे ए की पावर टू और क्या है बी ओके क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस का साइन आ गया अब इसी तरीके से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी में करना होगा तो अगेन हमारे पास ए की पावर टू आ रही है और डिवाइडेड में कहीं पर भी ए की पावर टू सी नहीं दिया गया ओके तो इसे भी हमें साइड में नोट करना होगा अब यहाँ पर भी ये दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर हम ए स्क्वायर सी नोट कर देंगे अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो जितने भी टर्म्स हमारे पास आए उन सब के नीचे हमें सब्ट्रैक्ट का साइन बनाना होगा माइनस का साइन ए क्यूब से हम ए क्यूब को माइनस कर सकते हैं क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव अब इसके बाद क्या है बी क्यूब तो यहाँ पर हमें इसे अल्फाबेट की पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा यहाँ पर ए के बाद बी की पावर थ्री है तो इसे नोट करना होगा यहाँ पर क्या नोट कर देंगे बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री फिर ए स्क्वायर माइनस बी तो माइनस के साइन के साथ है क्योंकि ये नेगेटिव हो गया क्योंकि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ओके okay? यहाँ पर ए स्क्वायर बी माइनस का हो जाएगा इसी तरीके से माइनस के ए स्क्वायर सी फिर इसके बाद क्या बचा ए बी सी इसे लास्ट में नोट कर देते हैं अब यहाँ पर बी पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें प्लस का साइन नोट करना होगा बी की पावर यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर बी वन टाइम है तो इसे एग्जैक्ट सेम करने के लिए पावर कितनी कम है बी की पावर टू ओके okay? जैसे यहाँ पर ए की पावर टू आई फिर बी की फिर सी की इस तरीके से इसे सॉल्व करना है ओके okay? अदरवाइज आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म में जो मैच कर रहा है उसके नीचे उसे नोट कर सकते हैं और अगर मैच नहीं कर रहा है तो साइड में नोट कर देंगे अब यहाँ पर बी स्क्वायर से सबसे पहले ए में मल्टीप्लाई करना होगा क्या आएगा ए वन टाइम और बी की पावर टू कहीं दिया गया है ए की पावर वन और बी की पावर टू डिवाइडेड में नहीं है हमारे पास तो हम इसे साइड में नोट करेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव है दोनों तो प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा ए बी स्क्वायर ओके कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर क्या है ए वन टाइम है और बी की पावर टू है और यहाँ पर ए की पावर टू है बी वन टाइम है ओके okay? तो ये दोनों सेम नहीं है अलग है इसे हमें साइड में नोट करना होगा जब तक अल्फ़ाबेट और उसकी पावर सेम नहीं होंगी एग्जैक्ट सेम ओके अब इसके बाद बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी में करना होगा यहाँ पर बी की पावर कितनी हो जाएगी थ्री तो मैच कर रहा है इसलिए इसके नीचे नोट करना होगा अब इसके बाद बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी में करना होगा यहाँ पर क्या आएगा बी की पावर टू और सी वन टाइम कहीं पर है हमारे पास डिवाइडेड में नहीं है तो इसे साइड में नोट करना होगा क्या हो जाएगा बी की पावर टू और सी अब जितने भी टर्म हमारे पास आए उन सब के नीचे हमें माइनस का साइन नोट करना होगा अब b क्यूब से b क्यूब को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अब इसके बाद हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास c क्यूब इसे नोट कर देते हैं फिर इसके बाद ए स्क्वायर b नोट कर देते हैं फिर माइनस ए स्क्वायर c नोट कर देंगे फिर यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर नोट कर देंगे फिर ये क्या है माइनस बी स्क्वायर सी इसे भी नोट कर देंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री ए बी सी अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है सी क्यूब इसे हमें एग्जैक्ट सेम करना होगा यहाँ पर हमारे पास सी की पावर कितनी है वन और ये कैसा है पॉजिटिव तो प्लस का साइन नोट कर देते हैं सी की पावर यहाँ पर थ्री है कितनी काम है सी की पावर टू अब इस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में करना होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए यहाँ कहीं पर भी सी स्क्वायर ए हमारे पास नहीं है डिवाइडेंट की प्लेस में ओके ए स्क्वायर सी है लेकिन सी स्क्वायर ए नहीं है इसे हमें साइड में नोट करना होगा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए यहाँ पर सी स्क्वायर है कैसा है पॉजिटिव तो यहाँ पर हमें प्लस का साइन नोट करना होगा अब इसके बाद सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी में करना होगा सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब बी में करेंगे क्या आएगा सी स्क्वायर बी कहीं पर है नहीं है यहाँ पर बी स्क्वायर सी है अलग है पावर ओके यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है तो इसे भी हमें साइड में नोट करना होगा दोनों कैसे हैं पॉजिटिव यहाँ पर हमें प्लस का साइन नोट करना होगा और क्या नोट कर देंगे सी स्क्वायर बी अब इसके बाद सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी में करेंगे कितना आ जाएगा सी की पावर थ्री ओके अब इसके बाद हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा अब इसके बाद यहाँ पर सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल होगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव और इसके बाद क्या है ए स्क्वायर बी इसे नोट कर देते हैं यहाँ पर क्या है माइनस ए स्क्वायर बी फिर इसके बाद माइनस ए स्क्वायर सी है फिर माइनस ए बी स्क्वायर है फिर माइनस बी स्क्वायर सी है फिर इसके बाद जितने भी पावर वाले उन्हें आप पहले नोट करो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर ए ये भी पावर में है तो इसे पहले नोट कर देते हैं क्या है माइनस सी स्क्वायर बी तो सी स्क्वायर बी हो जाएगा और यहाँ पर सबसे कम पावर क्या है abc बी इसे लास्ट में नोट कर देते हैं ये क्या है थ्री ए अब इसके बाद फिर से हमें फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट सेम करना होगा यहाँ पर क्या है माइनस का साइन तो सबसे पहले माइनस का साइन नोट कर देते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बी है और यहाँ पर हमारे पास ए है क्या कम है वन टाइम ए और वन टाइम बी कम है ओके तो जितना कम है वो हमें यहाँ पर नोट करना होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास ए मैच कर रहा है तो जितना कम है वो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं अब माइनस ए बी का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में करना होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी फिर माइनस ए बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कहीं पर है ये है यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं ए बी और स्क्वायर अब ये कैसा है पॉजिटिव या नेगेटिव तो माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में अब ए बी का मल्टीप्लाई हमें सी में करना होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी सी कहीं पर ए बी सी दिया गया है यहाँ पर दिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है अल्फाबेट बिल्कुल सेम होना चाहिए पावर के अकॉर्डिंग ए बी का मल्टीप्लाई सी में करने पर कितना आएगा ए बी सी ये माइनस का है ये प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर आ रहा है ए बी सी ओके एग्जैक्ट सेम है अल्फाबेट इसलिए इसको इसके नीचे हम नोट कर सकते हैं अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो माइनस का साइन नोट करना ही होगा चाहे कितने भी माइनस के साइन दिए गए हों और रिपीट हो रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट होंगे प्लस में अब यहाँ पर ए स्क्वायर भी एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से ए बी स्क्वायर एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव ये भी कैंसिल होगा यहाँ पर क्या जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी फिर माइनस बी स्क्वायर सी फिर माइनस सी स्क्वायर ए और माइनस सी स्क्वायर बी यहाँ पर हमारे पास थ्री ए बी सी है और यहाँ पर एक बार ए बी सी है तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा टू ए बी सी बचेगा यहाँ पर हमें माइनस का साइन नोट करना होगा अब इसके बाद अगर आप ए स्क्वायर सी को एग्जैक्ट सेम करना चाहो तब भी कर सकते हो और अगर आप स्टार्टिंग से ही इसे पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ए की पावर सॉल्व करी फिर बी की फिर सी की ओके इसी तरीके से यहाँ पर भी ए की पावर टू सॉल्व हो चुकी है अब बी की पावर टू को सॉल्व करेंगे फिर सी की पावर टू को ओके तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे भी एग्जैक्ट सेम कर सकते हैं आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो अगर हम b की पावर टू को एग्जैक्ट सेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर सी फर्स्ट टर्म में हमारे पास न b है न c तो सेकेंड टर्म हमें देखना होगा यहाँ पर क्या है b और यहाँ पर बी स्क्वायर सी कितना कम है सबसे पहले तो माइनस का साइन आ जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पर b की पावर टू है और b यहाँ पर वन टाइम कितना कम है वन टाइम कम है और सी इसमें नहीं दिया गया सेकेंड टर्म में और यहाँ पर है तो सी भी नोट करना होगा अब माइनस बी सी का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स में करना होगा क्या आएगा हमारे पास ए बी सी ओके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोट कर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सबसे पहले ए फिर बी सी बी सी ए जो भी आप नोट करना चाहो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी कैसा रहेगा नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस का साइन नोट कर देते हैं अब माइनस बी सी का मल्टीप्लाई बी में करना होगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी यहाँ पर हमें नोट करना होगा बी स्क्वायर सी ओके और नेगेटिव है ये भी तो माइनस का साइन नोट करना होगा अब बी सी का मल्टीप्लाई सी में करना होगा यहाँ पर सी रिपीट हो रहा है तो सी की पावर टू हो जाएगी यहाँ पर क्या आएगा माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में और बी सी स्क्वायर कहीं पर दिया है सी स्क्वायर ये दिया गया है सी की पावर टू और बी आगे पीछे से मतलब नहीं है पावर एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए ओके यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सी स्क्वायर बी और माइनस का साइन आएगा ओके अब हमें क्या करना है इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन तो हमें नोट करना होगा और इसे प्लस में कन्वर्ट करना होगा अब इसके बाद बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव इसी तरीके से सी स्क्वायर बी से सी स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा अब इसके बाद क्या बचा माइनस ए स्क्वायर सी और माइनस सी स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है माइनस टू ए बी सी और प्लस का ए बी सी इन दोनों को माइनस करना होगा कितने ए बी सी बचेंगे एक और यहाँ पर कौन सा साइन रहेगा माइनस का अब यहाँ पर भी आप ए सी को चाहे एग्जैक्ट सेम कर लीजिए यहाँ पर हम पावर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं पहले ए की फिर बी की फिर सी की इसी तरीके से ए की पावर टू बी की पावर टू तो अब हम यहाँ पर सी की पावर टू को सॉल्व कर सकते हैं आप जिसे सेम करना चाहो उसे कर सकते हो अब यहाँ पर अगर हम सी की पावर के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर ए को एग्जैक्ट सेम करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले तो ये टर्म कैसा है नेगेटिव यहाँ पर हमें माइनस का साइन नोट करना होगा और यहाँ पर सी की पावर कितनी है टू और सी यहाँ पर वन टाइम ओके कितना कम है वन टाइम कम है और साथ में इसके ए भी है और यहाँ पर ए नहीं दिया गया सी के साथ यहाँ पर हमें ए नोट करना होगा अब इसके बाद माइनस सी ए का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में करना होगा अब माइनस सी ए का मल्टीप्लाई हमें ए में करना होगा कितना आएगा सी और ए यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर सी दिया गया है यहाँ पर हम इसे नोट कर सकते हैं ए स्क्वायर सी नोट कर दीजिए अब यहाँ पर ये यह कैसा है नेगेटिव तो माइनस का साइन नोट करना होगा अब इसके बाद माइनस सी ए का मल्टीप्लाई बी में करना होगा तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी ओके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं माइनस ए बी सी ओके अब इसके बाद क्या है माइनस सी ए का मल्टीप्लाई सी में करना होगा यहाँ पर सी रिपीट हो रहा है तो सी की पावर कितनी हो जाएगी टू यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सी की पावर टू ए और ये भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस का साइन नोट करना होगा अब यहाँ पर इस सभी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा जीरो अब यहाँ पर ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कैंसिल होगा सी स्क्वायर ए से सी स्क्वायर ए कैंसिल होगा और abc से abc कैंसिल होगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा जीरो अब यहां पर बस हम स्टेटमेंट नोट कर देंगे दस जो पॉलिनोमेल हमें दिया गया है वो नोट करना होगा इसका फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी और इसे डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ओके, ये दो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं इसे फैक्टराइज करने के बाद एंड दिसनल आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन में भी हमें यहाँ पर सबसे पहले रिमाइंडर जीरो लाना है रिमाइंडर जीरो लाने के लिए हमें एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए सबसे पहले यहाँ पर जो पॉलिनोम हमें दिया है वो नोट कर देते हैं एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वेर माइनस एक्स और प्लस सिक्स अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू वन पुट करके देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर x की जगह पर वन प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा वन की पावर फोर प्लस वन की पावर थ्री माइनस सेवन वन की पावर टू माइनस वन और प्लस सिक्स अब वन की पावर कितनी भी हमेशा वैल्यू वन होती है प्लस वन माइनस सेवन और माइनस वन प्लस सिक्स वैसे ही रहेगा अब यहाँ पर सिक्स वन वन इन सब को ऐड करने पर कितना आएगा एट और सेवन और वन को ऐड करने पर कितना आएगा माइनस एट अब इन दोनों को माइनस कर दें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा ज़ीरो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स और पॉजिटिव वन है रिप्लेस करेंगे तो माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस की पुट कर दें तो क्या रिमाइंडर जीरो आएगा या नहीं यहाँ पर हमें इसे भी चेक करना होगा अब यहाँ पर हम नोट कर देंगे अगेन अब यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना होगा माइनस वन और देखना होगा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं यहाँ पर हम नोट कर देंगे रिमाइंडर और जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है अब यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना होगा माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर थ्री माइनस सेवन यहाँ पर आएगा माइनस वन की पावर टू माइनस माइनस वन और प्लस सिक्स पावर इवन है तो वन पॉजिटिव रहेगा अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा क्योंकि पावर ऑड है यहाँ पर माइनस सेवन वैसे ही रहेगा और इसके बाद माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और वन वैसे ही नोट करेंगे और प्लस सिक्स वैसे ही रहेगा अब सिक्स वन सेवन और वन एट इन सब को ऐड करने पर एट आया अब यहाँ पर माइनस वाली वैल्यूज़ क्या है सेवन और वन ये भी ऐड करना होगा अब यहाँ पर एट में एट माइनस करेंगे कितना आएगा ज़ीरो अब यहाँ पर एक्स की प्लेस में वन पुट किया तब भी हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आया तो फैक्टर हमारे पास कितना आ गया एक्स माइनस वन और एक्स की जगह पर माइनस वन पुट किया तब भी रिमाइंडर ज़ीरो आया तो यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स और ये माइनस का है तो रिप्लेस होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा एक्स प्लस वन यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आए कौन कौन से एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इसे एक सिंगल फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायेर माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन ही रहेगा यहाँ पर ये दोनों फैक्टर एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में तो एक बार ए माइनस भी ए प्लस भी में है तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट क्योंकि हमें दो फैक्टर्स नहीं चाहिए तो हमने इसे सिंगल फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया अब इन दोनों फैक्टर को मिलाने के बाद हमारे पास एक सिंगल फैक्टर आ गया अब इस फैक्टर से हमें जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे डिवाइड करना होगा और यहाँ पर हमें क्या नोट करना है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस सिक्स ये पॉलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दिया गया है अब यहाँ पर एक्स की पावर फोर है और यहाँ पर एक्स की पावर टू यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा एक्स की पावर टू जितना कम है अब एक्स की पावर टू का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा यहाँ पर एक्स की पावर फोर हो जाएगा और एक्स की पावर टू का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को हमें एक्स स्क्वायर के नीचे नोट करना होगा क्योंकि ये दोनों सेम पावर के हैं लाइक टर्म है लाइक टर्म होंगे तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं अब लाइक टर्म को एक साथ लिखने के बाद एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर फोर कैंसिल हो जाएगी अब यहाँ पर सेवन एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर माइनस करना होगा कितना एक्स स्क्वायर बचेंगे सिक्स और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करना होगा एक्स की पावर फोर से तो एक्स की पावर फोर कैंसिल हो गई इसके बाद क्या है प्लस एक्स की पावर थ्री इसे नोट करना होगा अब इसके बाद माइनस एक्स और प्लस सिक्स भी वैसे ही नोट कर देंगे अब एक्स की पावर यहाँ पर थ्री है और एक्स की पावर यहाँ पर टू है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा एक्स अब इस एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा कितना आएगा एक्स की पावर थ्री प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे एक्स ही रहेगा तो इस एक्स को हमें एक्स के नीचे नोट करना होगा सेम पावर वाली वैल्यू को सेम पावर के नीचे नोट करिएगा एक्स यहाँ पर वन टाइम है तो जहाँ पर एक्स वन टाइम है वहाँ पर नोट करना होगा प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पर भी एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और x से एक्स भी कैंसिल होगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव क्या बचा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अब यहाँ पर क्या है माइनस तो माइनस का साइन नोट करना होगा और यहाँ पर सिक्स है न्यूमेरिकल वैल्यू में और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो सिक्स नोट करना होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है तो यहाँ पर नोट नहीं करें फर्स्ट टर्म को एग्जैक्ट सेम करना है अब यहाँ पर माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा कितना आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में सिक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे सिक्स ही रहेगा अब यहाँ पर सिक्स एक्स स्क्वायर से सिक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और सिक्स से सिक्स कैंसिल होगा रिमाइंडर हमारे पास कितना आया ज़ीरो अब इसे सॉल्व करने पर रिमाइंडर तो जीरो आना ही था क्योंकि इसका फैक्टर है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की प्लेस में क्या आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें नोट करना होगा दस और जो पॉलिनोमियल हमें दिया है वो नोट कर देंगे अब इसके फैक्टर्स कितने आए हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आया एक्स माइनस वन एक्स बराबर जब हमने वन पुट किया था सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आया एक्स प्लस वन क्योंकि इन दोनों ही एक्स की वैल्यूज़ में रिमाइंडर जीरो आया था ये दोनों ही फैक्टर हैं इन्हें अलग ही नोट करना होगा ओके okay? इन्हें एक सिंगल फैक्टर में हमने कन्वर्ट किया था लेकिन आपको अलग अलग नोट करना है यहाँ पर और डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन की प्लेस में क्या आया एक्स स्क्वेर प्लस एक्स माइनस सिक्स इसे नोट करना होगा अब फर्स्ट टू फैक्टर्स हम वैसे ही नोट कर देंगे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन हर एक स्टेप में अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म वैसे ही नोट करेंगे यहाँ पर सेंटर में हमारे पास वन हाइड है यहाँ पर हमें कितना लाना है वन और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सिक्स आना चाहिए यहाँ पर हम थ्री माइनस टू नोट कर सकते हैं थ्री टू जार सिक्स और थ्री से टू माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा माइनस सिक्स वैसे ही रहेगा ये दोनों फैक्टर वैसे ही नोट करेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर इसे वैसे ही नोट करना होगा यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन नोट करेंगे थ्री का मल्टीप्लाई पहले एक्स में करेंगे कितना आएगा थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा टू का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे टू एक्स हो जाएगा और माइनस सिक्स वैसे ही नोट कर देंगे फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है एक्सी स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इन दोनों में क्या कॉमन है x ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा x प्लस थ्री अब यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा टू और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा x माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस में कन्वर्ट होगा टू की टेबल में थ्री टाइम्स में सिक्स आएगा अब यहाँ पर x माइनस वन और x प्लस वन और x प्लस थ्री यहाँ रिपीट हो रहा है तो इसे नोट कर देते हैं और क्या बचा x माइनस टू यहां पर टोटल फोर टर्म्स हमारे पास आ गए एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टेन भी सेम वैसे ही है यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने ओके okay? यहाँ पर हमें रिमाइंडर नोट करना होगा रिमाइंडर की प्लेस में हमें किसे नोट करना होगा जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है अब यहाँ पर y की प्लेस में हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो अगर हम y की प्लेस में यहाँ पर वन पुट करेंगे या माइनस वन पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आएगा यहाँ पर हमें क्या पुट करना होगा टू थ्री फोर फाइव ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी हो सकती है यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना अगर वन या माइनस वन पुट करने पर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आए तो लास्ट में जो भी नंबर या डिजिट दिया हुआ है इसे आप प्राइम फैक्टराइज करना इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना ओके okay? जैसे फोर्टी टू किससे डिवाइड होता है यहाँ पर आप नोट कर सकते सेंस फोर्टी टू इज़ डिविजिबल बाय फोर्टी टू टू से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है और किससे डिवाइड होगा थ्री से हो जाएगा और किससे डिवाइड होगा सेवन से हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको प्राइम फैक्टराइज जब करेंगे आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी सबसे पहले आप इसे प्राइम फैक्टराइज कर देना प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आपको टू मिला तो इस टू को आप पुट करना वाई की प्लेस पर वाई की प्लेस में जब आप इसे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा टू की पावर थ्री माइनस यहाँ पर फाइव यहाँ पर टू की पावर टू माइनस नाइनटीन यहाँ पर टू आएगा और प्लस फोर्टी टू अब इसे पुट करने के बाद देख रहे हैं कि रिमाइंडर ज़ीरो आएगा या नहीं टू की पावर थ्री मतलब एट एट की टेबल टू टाइम्स पड़ेंगे कितना आएगा सिक्सटीन टू की पावर टू मतलब फोर फोर की टेबल फाइव टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा ट्वेंटी नाइनटीन की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा थर्टी एट और फोर्टी टू अब फोर्टी टू और सिक्सटीन को ऐड करने पर कितना आएगा फिफ्टी एट और थर्टी एट और ट्वेंटी को ऐड करने पर भी फिफ्टी एट आ जाएगा माइनस का अब इन दोनों को माइनस करने पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आया ज़ीरो पर रिमाइंडर ज़ीरो आ चुका है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा वाई क्योंकि यहाँ पर y है तो y आएगा y की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी पुट करी थी टू तो y माइनस टू हो जाएगा ओके तो इसे आप डायरेक्ट नोट कर देना अदरवाइज़ आप यहाँ पर यह भी नोट कर सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू टू अब यहाँ पर सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए सबसे पहले जो फैक्टर हमारे पास आया है वाई माइनस टू इससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे जो भी हमें दिया हुआ है इससे हम किसको डिवाइड करने वाले हैं टू वाई क्यूब माइनस फाइव वाई स्क्वायर माइनस नाइनटीन वाई और प्लस फोर्टी टू अब यहाँ पर टू वाई क्यूब है और यहां पर सिर्फ y तो इसे एग्जैक्ट सेम करने के लिए पहले टू नोट करना होगा यहां पर y की पावर थ्री है यहाँ वन टाइम y है यहां पर क्या आएगा y की पावर टू तो योग्यार टू वाई स्क्वायर अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा कितना आ जाएगा टू वाई क्यूब यहाँ पर है टू वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस टू है माइनस तो का साइन नोट करना होगा टू तू, टू जार फोर हो जाएगा और वाई स्क्वायर अब इसके बाद टू वाई क्यूब से टू वाई क्यूब माइनस कर देंगे फाइव वाई स्क्वायर और फोर वाई स्क्वायर इन दोनों को माइनस करना होगा कितने वाई स्क्वायर बचेंगे वन और यहाँ पर माइनस का साइन नोट करना होगा इसके बाद क्या है माइनस नाइनटीन वाई और प्लस फोर्टी टू अब वाई स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर वाई है यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करेंगे और सिंगल टाइम वाई नोट करेंगे अब माइनस वाई का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर आएगा और वाई का मल्टीप्लाई टू में करेंगे हो जाएगा टू वाई इसके नीचे नोट कर सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन रिपीट हो रहा है किस किसपे कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और यहाँ पर हमारे पास टू वाई आया अब यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर नाइनटीन वाई भी नेगेटिव है और टू वाई भी इन दोनों को ऐड करना होगा कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन वाई और माइनस का साइन आएगा प्लस फोर्टी टू वैसे ही नोट कर देंगे स्टार्टिंग में हमारे पास माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नोट करना होगा ट्वेंटी वन दिया गया तो ट्वेंटी वन नोट करना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है वाई से वाई मैच कर रहा है तो इसे नोट नहीं करेंगे माइनस ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना होगा यहाँ पर कितना आएगा माइनस ट्वेंटी वन वाई और माइनस माइनस रिपीट हो रहा है किस में कन्वर्ट होगा प्लस में ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे कितना आएगा फोर्टी टू अब यहाँ पर ट्वेंटी वन वाई से ट्वेंटी वन वाई कैंसिल हो जाएगा और फोर्टी टू से फोर्टी टू कैंसिल होगा अब रिमाइंडर हमारे पास कितना आया जीरो क्योंकि इसका फैक्टर है यहाँ पर क्वेश्चन की प्लेस में हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे अब यहाँ पर जो पॉलिनोमल हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो नोट करना होगा सबसे पहले हमारे पास कौन सा फैक्टर आया y माइनस टू इसे नोट करना होगा। अब टू से इसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक आया। इसे नोट करना होगा हमारे पास कितना आना चाहिए वन एड और लेस करने के बाद और मल्टीप्लाई करने पर फोर्टी टू आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा सेवन माइनस सिक्स और y है तो y नोट कर देंगे सेवन की टेबल सिक्स टाइम्स पढ़ेंगे तो फोर्टी टू आएगा विच इज़ इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्वेंटी वन एंड टू और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वन आएगा यहाँ पर हम सेवन माइनस सिक्स नोट करेंगे अदरवाइज आप प्राइम फैक्ट्राइज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं अब माइनस ट्वेंटी वन वैसी रहेगा यहाँ पर माइनस तो का साइन है तो माइनस का साइन आएगा सेवन का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे सेवन वाई हो जाएगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में सिक्स का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे सिक्स वाई हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है वाई यहाँ पर क्या बचा टू बाय माइनस सेवन अब लास्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है प्लस सिक्स बाय माइनस ट्वेंटी वन यहाँ पर प्लस का साइन नोट करना होगा इन दोनों में क्या कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू में थ्री कॉमन है थ्री की टेबल में सिक्स भी आएगा और ट्वेंटी वन भी तो यहाँ पर थ्री नोट करना होगा थ्री से सिक्स को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड होगा टू और वाई बच रहा है तो वाई नोट करेंगे माइनस थ्री से ट्वेंटी वन को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा सेवन टाइम्स में अब यहाँ पर वाई माइनस टू वैसे ही रहेगा यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है टू वाई माइनस सेवन इसे वैसे ही नोट करना होगा और इसके बाद क्या बचा वाई प्लस थ्री इसे नोट करना होगा यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर्स आए हमारे पास थ्री एंड दिस इज़ आर फाइनल आंसर सो एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री को हमने क्वेश्चन नंबर टेन तक सॉल्व कर दिया है अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके आगे क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड टेक केयर बाय बाय